नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में नगर निगम एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आदतन अपराधी एवं गुंडों के विरुद्ध अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में नगर निगम एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आदतन अपराधी एवं गुणों के विरुद्ध अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें अब तक कई गुंडों एवं आदतन अपराधियों के अवैध कब्जे को हटाया गया है, शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है। आज दिनांक 21 नवंबर को थाना महाकाल के अंतर्गत अन्ना उर्फ तोतला, जिसके विरुद्ध 27 अपराध, मारपीट, हत्या का प्रयास, अड़ीबाजी, जुआ, सट्टा के विभिन्न मामले दर्ज हैं, जिसके द्वारा शासकीय नाले पर अवैध कब्जा किया गया था, उसका अवैध अतिक्रमण हटवाया गया है। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत गुलमोहर कॉलोनी में शंकरलाल के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। शंकरलाल के विरुद्ध कुल 23 मामले दर्ज हैं। पूर्व में जिला बदर भी किया जा चुका है। उसके विरुद्ध मारपीट, अवैध शराब बेचना एवं अन्य मामले पंजीबद्ध हैं। शंकरलाल अवैध शराब बेचने का तस्करी करने का आदि है तथा शंकरलाल ने ही उज्जैन में जिंजर बेचने की शुरुआत की थी। आज शंकरलाल बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी प्रकार के माफिया हैं, जितने प्रकार के गुंडा तत्व हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करें और मिलावट के खिलाफ अभियान, माफिया के खिलाफ अभियान, भू माफिया के खिलाफ अभियान पूरे जोरों से उज्जैन जिले में भी चलाया जा रहा है। आज खास तौर पर एक शंकर कहार जो क्रिमिनल था, जिसने जो इंटेलिजेंस के मुताबिक की जंजर जो शराब है उसको बनाने की शुरुआत उसने करी थी, आज उसके घर को हम लोग ढा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उसके घर का भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, पूरा नया घर बना हुआ था। निश्चित रूप से इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि ऐसे जो अपराधी हैं, किस कारण पनपते हैं, उनको जो अर्थव्यवस्था जो उनको सहारा देती है, उस पूरे अर्थव्यवस्था को जब तक नेस्तोनाबूद नहीं करेंगे तब तक क्राइम खत्म नहीं होगा। जो अदालती कार्रवाई है उसके साथ साथ इस प्रकार की जो उनकी अवैध संपत्तियां हैं उनको भी जमींदोज करने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। और ऐसे लोगों की पहचान हो चुकी है, चाहे भू माफिया हो, उनसे हम लोग अभी लगभग 100 करोड़ के आसपास की जमीन मुक्त करा चुके हैं, अभी 100 करोड़ की जमीन और हमको मुक्त करानी है। मिलावटखोरों के खिलाफ जो अभियान है उसमें जहां पर भी सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं उनके पूरे प्लांट को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और जितने भी इस प्रकार के गुंडा तत्व हैं उनकी पहचान हमारे द्वारा करी गई है। देखिए, एक कोरोना के संबंध में शासन से ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि जनप्रतिनिधियों से सलाह करके हम लोग अपने जो अनुशंसा के बिंदु हैं उनको शासन को भेजें, जिसके आधार पर शासन कोरोना के संबंध में गाइडलाइंस जो है वो कल तक निकालेगा। आज जो हम लोगों ने तय किया है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, जिसमें बैंड को और साउंड सिस्टम को 50 लोगों के साथ अधिकतम अनुमति देने का और एक समय में 200 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति का अनुशंसा हम लोग भेज रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये क्लियर करूंगा कि मात्र अनुशंसा है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा कल लिया जाएगा और जो भी शासकीय गाइडलाइंस कराएंगे उनका पालन सभी को करना पड़ेगा। परमिशन लेना पड़ेगा सर शादियों के लिए? जी नहीं, शादी की परमिशन का हम लोगों ने प्रपोज किया कि शादी की परमिशन की या फिर अन्य इस प्रकार के साउंड सिस्टम के परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी और मुझे लगता है कल तक गाइडलाइन में ये सारी चीजें आ जाएगी। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि अभी जो हमारे यहाँ के असामाजिक तत्व हैं जिनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड रहे, उन्हें उस अवैध कमाई से कुछ ऐसे अपने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं या कुछ ऐसे मकान बना रखे हैं, इसके संबंध में एक पूरी जांच राजस्व और नगर निगम की टीम से कराई गई थी और उसके बाद उनकी जो भी अवैध संपत्तियां हैं उनको तोड़ने की कार्यवाही राजस्व और नगर निगम अमले के साथ मिलकर पुलिस के द्वारा की जा कराई जा रही है। कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई? दो है, जो ठिकाने हैं उसमें एक जैसा आपने जिनका नाम लिया और एक बेगमबाग में भी एक कार्रवाई चल रही है। उंडासा वाला जो विषय है वो कल की कार्यवाही का विषय है, जिसमें आप मालूम है कि नकली मावा और घी की एक व्यक्ति पकड़ी गई, तो उसमें भी कुछ जो राजस्व अमले के साथ जो उसका परीक्षण कराया गया तो कुछ चीजें अवैध अतिक्रमण पाई गई हैं, उस पर ये भी ये दूसरी तीसरी कार्यवाही भी कराई जा रही है।